बिहार के किशनगंज स्थित मंदिर में श्री नवग्रह विधान का आयोजन किया गया। यह विधान त्रिलोकचंद जैन एवं आची जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। किशनगंज निवासी श्री त्रिलोकचंद जैन एवं श्रीमती आची जैन जी की 60वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री नवग्रह विधान का आयोजन दंपति के निवास स्थल पर किया गया। आयोजन का शुभारंभ सौभाग्यशाली परिवार ने प्रभु का नित्यमय अभिषेक और शांति धारा करते हुए किया। नित्यमय पूजन के बाद भक्तों ने मांडला जी में कलश स्थापित कर विधान की शुरुआत की। कलश स्थापनम करोमिति स्वाहा। मांगलिक विधान के अंतर्गत भक्तों ने संगीतमय विधान पाठ के साथ शुभ तत्व अर्पित किए। स्वस्तु छलदि मल बोध सुदा पलवाय स्वस्ति स्वभाव पर भाव विभासिताय। विधान की समस्त क्रियाओं के बाद भक्तों ने विश्व शांति महायज्ञ के साथ स्वकल्याण की भावना भाई। ओम परम धनाय नमः। ओम केवली सिद्धिभू नमो नमः। ओम अरत्मा दुसरणा प्रपद्ये नमः। ओम अरसुद सरणा प्रपद्ये नमः। ओम अनादि गमनस्य सरणा प्रपद्ये नमः। विधान की समस्त मांगलिक क्रियाओं के बाद परिवार के सभी सदस्यों ने श्री त्रिलोकचंद जैन एवं श्रीमती आची जैन जी के चरण धोकर आशीर्वाद लिया और चरण चिन्ह को स्मृतियों के रूप में रखा। आयोजन के संबंध में महानुभाव ने कुछ इस प्रकार बताया। शांति विधान का आयोजन किया गया था, इसमें सिलीगुड़ी से लेकर कान की पांजीपाड़ा, इस्लामपुर, गुलाबबाग, पूर्णिया, रायगंज, पारसोई, कटिहार, ठाकुरगंज, तमाम लोग इस नवग्रह शांति विधान में सम्मिलित हुए। अधिक संख्या में महिलाएं आई और सबका मकसद इस नवग्रह शांति विधान का लाभ लेना था और जैन धर्म में सभी समस्याओं का निदान है। अगर हमारे प्रति श्रद्धा रहती है धर्म के प्रति, तो ये नवग्रह शांति विधान में लोगों का यहाँ आना और बहुत बड़ा आयोजन, करीब 1500 लोग यहाँ आए। इस क्रम में सभी आगंतुकों ने दंपत्ति का माला पहनाकर और उपहार देकर सम्मान किया। इस तरह श्री त्रिलोकचंद जैन एवं श्रीमती आची जैन जी ने धार्मिक अनुष्ठान के साथ वैवाहिक वर्षगांठ मनाकर अपने परिवार को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जैन फोकस के लिए किशनगंज बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट। ओम ब्रह्मरस्त जनपद्र सर्व साधु जिन धर्म जिनांगम जिन चेत चेत्र समूह अत्र आगत चय स्वरूप परिदेवा स्वस्थानि गच्छ पुष्पांजलि चपेत।